आप देख रहे हैं मेंबर रसूल पर औलादे वसे आजम औलादे रसूल हुजूर सैयद शान रब साहब कबला पूरी शान सदारत के साथ मेंबर रसूल फजल वगैरह है खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना लियाकत साहब कबला रामपुरी तशरीफ फरमा है और शाहिद हिंदुस्तान जनाब मोहतरम का हाजी मुबीन साहब कबला रामपुरी वो भी तशरीफ फरमा है और हुक्म के मुताबिक कमेटी वालों के हुक्म के मुताबिक जो हमारे बहर से शाहिद साहब आए हैं उन्हें सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह उम्र दराज भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी भी हैं सुभान अल्लाह। सरकार की गुंबद का इन्होंने दीदार किया है, जब ये पढ़ेंगे और ज्यादा हमें लुत्फ आएगा और ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान ताजा होगा। ये तरक्की याफ्ता दौर है, कोई किसी चीज को पसंद करता है, कोई किसी चीज को पसंद करता है, कोई ताजमहल की तारीफ करता है, कोई हजरत लाल किले की तारीफ करता है, लेकिन हमें किस चीज की तारीफ करनी चाहिए, हमें किस चीज की तारीफ करना चाहिए और अपने दिल में अपने तसव्वुर में हमें किस चीज को बसाना चाहिए। हम सबकी तमन्ना यही होनी चाहिए, ख्वाहिश भी यही होनी चाहिए। चार मिसरों में सुने हमारी तमन्ना और पसंद क्या होनी चाहिए। जापान मुझको रूस ना चाइना पसंद है, जापान मुझको रूस ना चाइना पसंद है, जापान मुझको रूस ना चाइना पसंद है, शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है। आप मिलकर मेरा साथ दें, शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है। खुशबू गुलाब मुश्क की अच्छी तो है मगर, खुशबू गुलाब मुश्क की अच्छी तो है मगर, मुझको मेरे नबी का पसीना पसंद है। खुशबू गुलाब मुश्क की अच्छी तो है मगर, मुझको मेरे नबी का पसीना पसंद है। और पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, पूछे जो कोई मुझसे, पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। और दुनिया का कोई फूल, दुनिया का कोई फूल उसे क्या लुभाएगा जिसको मेरे नबी का पसीना पसंद है, जिसको मेरे नबी का, जिसको मेरे नबी का पसीना पसंद है। मुसलमानों अपनी जिंदगी को अच्छा कर लो और अपनी जिंदगी को अच्छा कर लो, कुरान की तिलावत करके जिंदगी को गुजारो, नमाजें पढ़ पढ़ के जिंदगी को गुजारो, सरकार पर दुरूद पाक पढ़ पढ़ के जिंदगी को गुजारो। इसलिए कोई कहता है इस्लाम खत्म हो जाएगा, कोई कहता है इंडिया के अंदर दाढ़ी और टोपी वाला बाकी नहीं रहेगा, खुदा की कसम कान खोल कर सुन ले बैरवा के लोगों, जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज का आला हजरत का मजार रहेगा हिंदुस्तान में शान से मुसलमान रहेगा। हमें तो बस अपने आप को अच्छा करना है, अपनी जिंदगी को अच्छा करना है, अपनी जिंदगी को अच्छा करके सरकार पर दुरूद पाक पढ़ पढ़ के जिंदगी को गुजारेंगे, खुदा की कसम अल्लाह दुनिया और आखिरत को कामयाब कर देगा। जो सरकार पर दुरूद पाक पढ़ता है दुनिया में भी मचलता है, मरने के बाद जब अपनी कब्र में जाएगा तब भी मचलेगा। चार मिसरे सुने, देखते ही देखते चेहरा मेरे सरकार का, तमाम कमेटी वाले तमाम लोगों के हवाले से चार मिसरे पढ़ता हूं, मिसरे बड़े प्यारे, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। देखते ही देखते चेहरा मेरे सरकार का, देखते ही देखते चेहरा मेरे सरकार का, बस उमर ने पढ़ दिया कलमा मेरे सरकार का, बस उमर ने पढ़ दिया, बस उमर ने पढ़ दिया कलमा मेरे सरकार का। सरवरे आलम पे जो पढ़ते हैं कसरत से दुरूद, सरवरे आलम पे जो पढ़ते हैं कसरत से दुरूद, कब्र में देखेंगे वो जलवा मेरे सरकार का। सरवरे आलम पे जो पढ़ते हैं कसरत से दुरूद, कब्र में देखेंगे वो, कब्र में देखेंगे वो जलवा मेरे सरकार का। और सवाल ही नहीं जिसका जवाब क्या होगा, मेरे रसूल सा कोई जमाल क्या होगा। नजर नजर से मिली, नजर नजर से मिली, उम्र हुए हैं गुलाम, अब इससे बढ़ के नजर का कमाल क्या होगा, अब इससे बढ़ के, अब इससे बढ़ के नजर का कमाल क्या होगा। और नबी से हटके खुदा के करीब कोई नहीं, नबी से हटके खुदा के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, अरे नबी का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। हमारे नाम है, हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, नबी का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। इसी बड़ी तेजी के साथ प्रोग्राम आगे बढ़ाता हूँ, अच्छी आवाज के मालिक से आपको मुलाकात कराता हूँ, जिन्होंने अपनी निगाहों से गुंबद खजरा का दीदार किया है, जिन्होंने अपनी निगाहों से मस्जिद नबवी का दीदार किया है। खुदा की कसम मुसलमानों, जब वो पढ़ेंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। दीजिए अच्छी आवाज के मालिक से आपकी मुलाकात कराता हूँ, जब वो शायर किसी समंदर के किनारे नबी की नात पढ़ता है तो सफर करने वाले लोग अपना सफर करना भूल जाते हैं, जब वो शायर हजरात किसी
उसी समंदर के किनारे नबी की नाक पड़ता है तो समंदर में तैरने वाली मछली अपना तैरना बंद कर देती है। जब वो शायर किसी चौराहे पर बैरुए के नबी की नाक पड़ता है तो सफर करने वाले लोग अपना सफर करना भूल जाते हैं। तशरीफ ला रहे हैं शायर हिंदुस्तान मद्दाहे रसूल बागे तैबा के फूल शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम हाजी मोबीन साहब कुबला रामपुरी की आमद आमद है। सारा मजमा आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक एक हाथ अपने माँ के नाम पर दूसरा अपने बाप के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें मोहब्बत से बोले नारे तकबीर माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ मौला जो हाथों को उठाकर नारा लगा रहे हैं अल्लाह उन्हें जन्नती बना दे। मौला जो बगैर हाथ उठाए नारा लगा रहे हैं मौला उन्हें करोड़पति बना दे। मौला जो बिल्कुल खामोश है अपने फजल करम से मौला तू जो चाहे उन्हें बना दे। दीजिए दोबारा मैं नारा लगाता हूँ दोनों हाथों को उठाए नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने औलिया इकराम ख्वाजा का हिंदुस्तान उलमाए अहले सुन्नत सरजमीने बैरुआ सरजमीने बैरुआ सरजमीने बैरुआ बैरुआ के सुन्नी मुसलमान बैरुआ के सुन्नी मुसलमान नारे तकबीर नारे रिसालत कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए खाक थोड़ी सी मदीने की मिलाई जाए जब जनाजे को लेके मेरे चले जब जनाजे को लेके मेरे चले मेरे अजीज नाथ सरकार की पढ़ पढ़ के सुनाई जाए। जरा जिंदा दिली के साथ मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। बहुत अच्छा भाई अच्छा बोल रहा सर मैं नहीं बल्कि हर शायर ये कहता थोड़ा ईको बढ़ाया जाए थोड़ा ईको बढ़ा दीजिए। पेशे हक मुजदा शफावत का सुनाते जाएंगे पेशे हक मुजदा शफावत का सुनाते जाएंगे पेशे हक मुजदा शफावत का सुनाते जाएंगे आप रोते जाएंगे जाएंगे। नारे तकबीर बहुत अच्छा कलाम पढ़ा आला हजरत का शेर बहुत अच्छा पढ़ा आप अच्छे अंदाज में नारे का जवाब दे नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत कलामे आला हजरत सरजमीने बैरुआ बैरुआ के सुन्नी मुसलमान शायर हिंदुस्तान हाजी अब्दुल मोबीन साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत क्या बात है जिंदाबाद जिंदाबाद। पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे तो ये शेर भी मुलाहिजा कर लीजिए जरा जिंदा दिल से मोहब्बत से बोलिए मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को के जुल्म खुलते जाएंगे जाएंगे पेशे हक मुजदा शफावत का सुनाते जाएंगे पेशे
आ सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पढ़े हाजी साहब। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने सुनने वालों को। तो रोजाना का बोलना होता है, लेकिन हाँ अगर प्रोग्राम को चलाना होता है तो ये सुनने वाले की पूरी जिम्मेदारी होती है। ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाए, मेरे आला हज़रत ने मक्ते में क्या लिखा है, सुनना चाहते हैं तो सर को मत हिलाइए, जबान से बोलिए सुभान अल्लाह। खाक हो जा जल कर मगर हम तो रजा। अच्छी निजामत है माशाल्लाह, अच्छी शख्सियत को चुना है। असल में ऐसा होता है प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए निजामी की भी जरूरत होती है। जरा लहकर बोलिए सुभान अल्लाह। के खाक हो जाए अदू जल कर मंगल हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जल कर मंगल हम तो रजा। दम है जिक्र दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। पेश हक मौजूदगी तकबीर, मुकम्मल जवाब दिया तक उठाकर नारे तकबीर नारे विसालत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। अब मैं जो मैंने अशआर लिखे हैं बेरुआ वालों, मैं आप तक पहुंचाना रहा हूँ, इसलिए कि क्या मालूम मेरा दोबारा नंबर आए या ना आए। उलमाए किराम की फहरिस्त है, मैं जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। अगर मुझे दोबारा निजामी भाई बुला ले तो बहुत मेहरबानी होगी। जरा मोहब्बत।